विरोध इसलिए हम लोग के करना पड़ रहा है कि आए दिन हम लोग के कभी पुलिस लाइन कभी स्टेशन। फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा गुरुवार को फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। दुकानदारों की मांग है कि उन्हें नगर निगम के द्वारा स्थायी रूप से बचाया जाए, उसके बाद ही उनकी दुकानों को तोड़ा या हटाया जाना चाहिए। फुटपाथ दुकानदारों से मनमानी तरीके से फाइन नहीं लगाया जाए। नगर निगम द्वारा कोहिनूर मैदान में आवंटित दुकानों में ग्राहक के नहीं पहुंचने के कारण वह अपनी दुकान चला रहे हैं। दुकानदारों की पूंजी खत्म हो जाने से वे लोग पुनः फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपने घर के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं उनका नगर निगम से मांग है कि सर्वेक्षण के तहत उनके दुकान आवंटन किए जाए, ताकि जो आए दिन स्टील गेट, हीरापुर, रणधीर वर्मा चौक एवं धनसार के फुटपाथ दुकानदारों के दुकानों को हटाने एवं उनके सामानों को जब्त कर उन पर फाइन वसूलने के कारण फुटपाथ दुकानदार को आए दिन नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। विरोध इसलिए हम लोग के करना पड़ रहा है कि आए दिन हम लोग के कभी पुलिस लाइन, कभी स्टेशन, कभी धनसार, कभी सिटी स्टाइल, हर जगह से कुछ न कुछ दुकानदारों के उजाड़ देना है और सामान के जब्त करके फाइन करना है। दूसरा नंबर कि अभी तक 84 से अभी तक जो भी दुकान बनी है जिला परिषद के छोड़कर, सब स्वपोषित योजना के अंतर्गत हम लोग के मांग है, स्वपोषित योजना के अंतर्गत ही दुकान बने। जो ISM गेट रणधीर वर्मा चौक पर जो स्वपोषित योजना के अंतर्गत बना के हम लोग खुद बांटे हैं, जो उस समय आपका DC श्रीमती बिल्ला राजेश थी और SDO बालकृष्ण मुंडा जी थे, वो 134 दुकान, 100 ISM गेट, 34 दुकान आपका रणधीर वर्मा चौक, वही हम लोग के ज़्यादा मांग है कि स्वपोषित योजना के अंतर्गत नगर निगम सर्वेक्षण भी कर चुका है, लेकिन वो सर्वेक्षण पर वो दुकान बनाए हैं आपको कहनूर मैदान बनिया हीर देने के बाद भी, वहाँ लोग के आवंटन होने के बाद भी लोग के वहाँ बोनी तक नहीं होता है, जहाँ तक पूंजी ही खा के अपना गुजर बसर करके फिर अपना रोड पर आ गए। इसलिए स्वपोषित योजना के अंतर्गत जो सर्वेक्षण किए हैं, वो सर्वेक्षण के तहत स्वपोषित योजना के अंतर्गत हम लोग के संघ के दिया जाए, ताकि हम लोग बना के अपना गुजर गुजर अपना में दुकान बांट दें। मेरा नाम रामनाथ सिंह हुआ, रोजी रोटी रोजगार समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष। अत्याचारी बंद करो, नहीं चलेगा।